Swayam Prabha, Digital India, Educated India. वेलस्ट स्टूडेंट्स मैंने मज़ डॉक्टर अजय कुमार सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ लॉ बी एच ओ सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस लेक्चर नंबर ट्वेंटी थ्री और प्रस्तुतिकरण का विषय है राज्य के विरुद्ध मूल अधिकार एवं न्यायिक पुनर्लोकन तो इस व्याख्यान के अंतर्गत देखने का प्रयास करेंगे कि स्टेट राज्य की परिभाषा क्या है हम तो जैसे जानते हैं कि स्टेट की परिभाषा सामान्य अर्थों में जब बात होती है स्टेट तो समझते हैं कि किसी राज्य किसी प्रांत की बात हो रही है लेकिन भारतीय संविधान के अंतर्गत स्टेट का स्पेसिफिक अर्थ है और वह भारतीय संविधान के आर्टिकल बारह ट्वेल्व के अंतर्गत स्टेट को डिफाइन किया गया कि संविधान के आर्टिकल ट्वेल्व के अंतर्गत बारह के अंतर्गत राज्य स्टेट किसे कहेंगे तो राज्य के विरुद्ध मूल अधिकार एवं न्यायिक पुनर्विलोकन दो इसके अंतर्गत दो टाइटल मैंने आप देखें जैसा कि इस व्याख्यान के शीर्षक से स्पष्ट है कि राज्य के विरुद्ध फंडामेंटल राइट एंड न्यायिक पुनर्वलोकन तो जुडिशियल रिव्यू क्या है स्टेट क्या है और फंडामेंटल राइट इन तीनों को हम इस अध्यय इस व्याख्यान के अंतर्गत देखने का प्रयास करेंगे कि स्टेट किसे कहेंगे तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान के आर्टिकल ट्वेल्व के अंतर्गत स्क्रीन पर आप देखें मैंने बताने का प्रयास किया है कि आर्टिकल ट्वेल्व अनुच्छेद बारह के अंतर्गत राज्य में निम्नलिखित चार संस्थाओं को समावेशित किया गया है भारत सरकार संसद पार्लियामेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राज्य सरकार राज्य का विधानमंडल स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी इसको यहाँ पर मिस्टेक अन्य प्राधिकारी इसको समझा जाएगा अन्य प्राधिकारी हम इसको अदर अथॉरिटी के रूप में अदर अथॉरिटी इसको बोलें इंग्लिश में और अन्य प्राधिकारी ये लोकल अथॉरिटी है और स्थानीय प्राधिकारी ये अन्य जो चौथा है अन्य प्राधिकारी अदर अथॉरिटी को आर्टिकल ट्वेल्व के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है तो आप ये देख सकते हैं कि संविधान निर्माताओं के द्वारा संविधान बनाते समय स्टेट को कितना वाइडर टर्म में रखा गया कि राज्य के अंतर्गत न केवल केंद्र सरकार या राज्य सरकारें आएंगी बल्कि स्थानीय प्राधिकारी भी आएंगे स्थानीय प्राधिकारी से तात्पर्य यहाँ पे दृष्टांत के रूप में नगर पालिकाएँ हैं नगर निगम हैं या लोकल बॉडीज़ हैं जो स्थानीय सरकार है उसके द्वारा भी नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा संविधान के भाग तीन में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा न केवल भारतीय संसद भारत सरकार न केवल राज्य की विधानमंडल राज्य सरकार न केवल स्थानीय सरकार बल्कि अन्य कोई भी प्राधिकारी जिसका स्रोत सरकार है जो सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही हैं या जो समिति के किसी स्टैच्यूट किसी लॉ के अंतर्गत स्थापित की गई हैं उनके द्वारा बनाया गया कोई भी ऐसा नियम विनियम कोई कानून यदि नागरिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उच्चतम न्यायालय संविधान के आर्टिकल बत्तीस के अंतर्गत उच्च न्यायालय संविधान के आर्टिकल दो के अंतर्गत उस ऐसे संसद के द्वारा बनाए गए ऐसे लॉ को राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए ऐसे कानून को स्टैच्यूट को उसके किसी प्रावधान को या स्थानीय प्राधिकारी नगर निगम के द्वारा जारी किए गए किसी आदेश किसी आदेश विनियम अथवा सर्कुलर को नियम को रूल्स को रेगुलेशन को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर सकता है उच्चतम न्यायालय या हाई कोर्ट कि वह नागरिक अधिकारों का उल्लंघन करता है फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है इसलिए संविधान के आर्टिकल बारह के अंतर्गत स्टेट को बहुत ही व्यापक अर्थों में लिया गया है राज्य के अंतर्गत संविधान के आर्टिकल बारह जो स्टेट को पर बताती है कि स्टेट में कौन कौन से संस्थाएं आएंगी कौन कौन सी एजेंसी आएंगी तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि संविधान के आर्टिकल बारह के अनुसार भारत सरकार या राज भारत सरकार या भारतीय संसद राज्य का विधानमंडल या राज्य की सरकार या स्थानीय सरकार लोकल गवर्नमेंट या अन्य प्राधिकारी अन्य अदर अथॉरिटी ये चार ऐसे संस्थाएं हैं जिसमें कुछ छोटा नहीं है जो संसद हो गया राज्य विधानमंडल तो बिल्कुल क्लियर है स्थानीय प्राधिकारी भी क्लियर है कि जो लोकल जिले स्तर पर कोई भी ऐसी सरकारी संस्था है जो कोई नियम बना रही है जिससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिव्यू कर सकती है उस नियम या विनियम का और इन तीन के अतिरिक्त जो कुछ भी ऐसी संस्थाएं हैं ऐसी कोई भी प्राधिकारी अथॉरिटी जो किसी विधि संविधि के अधीन गठित किया गया है और संविधि या विधि के अंतर्गत गठित किया गया कोई भी प्राधिकारी जो नागरिक अधिकारों का उल्लंघन करता है उस प्राधिकारी के द्वारा बनाए गए नियम को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है कि वह भी मौलिक अधिकारों का वह नियम वह नियम या बिनियम रूल्स या रेगुलेशन फंडामेंटल राइट का वायोलेशन करता है तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि संसद में कोई स्पष्टता नहीं है राज संसद स्पष्ट है क्लियर है राज्य विधानमंडल क्लियर है तो मौलिक अधिकार का जो प्रवर्तन है फंडामेंटल राइट का जो एनफोर्समेंट है या किसके विरुद्ध प्राप्त है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार वह राज्य के विरुद्ध भी उपलब्ध है और प्राइवेट नागरिक के विरुद्ध भी उपलब्ध है सामान्यतः जब हम बात आती है तो एक डाउट बना, बना रहता है संदेह बना रहता है कि फंडामेंटल राइट केवल और केवल राज्य के विरुद्ध स्टेट के अगेंस्ट ही एनफोर्सबल होता है ऐसा नहीं है अगर चार अगर आप चार ऑप्शन है चार विकल्प है प्रा, प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार लागू कराए जा सकते हैं चार विकल्प होगा पहला केवल राज्य के विरुद्ध दूसरा विकल्प राज्य और प्राइवेट नागरिक दोनों के विरुद्ध तीसरा विकल्प केवल और केवल प्राइवेट नागरिक के विरुद्ध उपरोक्त में से कोई नहीं तो आप ये मान के चलें जो सबसे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा इसका वह होगा राज्य के विरुद्ध और प्राइवेट नागरिक के विरुद्ध बी वाला ऑप्शन सही होगा कि मौलिक अधिकार का प्रवर्तन न केवल राज्य के विरुद्ध का लागू कराया जा सकता है बल्कि फंडामेंटल राइट यह नागरिक प्राइवेट नागरिक के विरुद्ध भी लागू कराया जा सकता है तो अब वे कौन से अधिकार हैं जो प्राइवेट नागरिक के विरुद्ध लागू कराए जा सकते हैं आप इसमें देखने का मैं स्लाइड पर आप देखें स्क्रीन पर आप देखें इस स्क्रीन पर, पर स्लाइड के माध्यम से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो स्टेट के अगेंस्ट फंडामेंटल राइट है वह आर्टिकल फोरटीन है फिफ्टीन है सिक्सटीन है नाइनटीन है बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट ऑफ हैबियस कार्पस है यह प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध हो सकता है संविधान का जो अनुच्छेद सत्रह है संविधान का अनुच्छेद तेईस या चौबीस है जो चौदह वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी भी खतरनाक उद्योग धंधों में नियोजित करने को प्राइविट करता है आर्टिकल ट्वेंटी टुण्टीफ, ट्वेंटी फोर अनटचबिलिटी को जो एबोलिस करने की बात करता है आर्टिकल सेवेंटीन कि अनटचेबिलिटी को एबोलिस किया जाएगा संविधान लागू होने के पश्चात प्राइवेट नागरिक भी किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार से आर्टिकल ट्वेंटी थ्री जो बेगारी प्रथा को प्रतिषेध करने की बात करता है संविधान के आर्टिकल ट्वेंटी थ्री कि किसी भी व्यक्ति से उसके इच्छा के विरुद्ध बिना पारिश्रमिक कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा न तो उसको करने के लिए विवश किया जाएगा तो नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू तो डू एनी इनवॉलेंट्री वर्क विदाउट पेमेंट तो बेगार जो है किसी भी व्यक्ति को अनिच्छा उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करना बिना पारिश्रमिक के उसके इच्छा के विरुद्ध कार्य करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है ये आर्टिकल ट्वेंटी थ्री में किया गया है तो ये जो तीन विशेष रूप से जो तीन प्रावधान है संविधान का आर्टिकल सेवेंटीन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ये तीन प्रावधान ऐसे हैं जो प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध भी लागू कराए जा सकते हैं और समानता मूल अधिकार जैसे समानता का अधिकार है राइट टू तो इक्वलिटी आर्टिकल फोर्टीन है या स्टेट के अगेंस्ट है आर्टिकल फिफ्टीन सिक्सटीन है राइट टू तो इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है लोक लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है आर्टिकल सेवनटीन नाइनटीन तो यह राज्य के विरुद्ध उपलब्ध मौलिक अधिकार हैं तो ये सभी छात्रों को ध्यान में रखना बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कार्पस भी प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जा सकता है सरकार के विरुद्ध जारी किया जा सकता है अगर पुलिस प्राधिकारी किसी भी व्यक्ति को अनलाफुली डिटेन किया है तो अनलाफुली डिटेन अवैध गिरफ्तारी की स्थिति में उस परिवार का कोई भी सदस्य उस अवैध गिरफ्तारी की संवैधानिकता को संविधान के आर्टिकल बत्तीस या दो के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में चुनौती दे सकता है कि बाई व्हाट अथॉरिटी जो पुलिस ऑफिसर हैज़ अरेस्टेड द पर्सन पुलिस ऑफिसर के द्वारा किस प्राधिकार के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो हैबियस कार्पस के माध्यम से रिट याचिका जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट संबंधित प्राधिकारी को विवश कर सकती है कि टू प्रोड्यूस बॉडली बिफोर द कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका जारी करते हुए संबंधित प्राधिकारी को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट निर्देशित कर सकता है कि इस व्यक्ति को सशरीर सशरीर प्रस्तुत किया जाए तो हैवियस कार्पस का जैसा कि ऑब्जेक्ट होता है कि टू प्रोड्यूस बॉडीली सर शरीर व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें तो ऐसी स्थिति में मूल अधिकार का परिवर्तन मैंने बताया फंडामेंटल राइट का एनफोर्समेंट वह राज्य के विरुद्ध होगा प्राइवेट नागरिक के विरुद्ध भी मौलिक अधिकार का प्रवर्तन को लागू कराया जा सकता है ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए अब स्टेट की डिफिनीसन के अंतर्गत जैसा कि मैंने बताया कि राज्य संविधान के आर्टिकल ट्वेल्व में दिया और ट्वेल्व में दिया है बारह में अनुच्छेद बारह में है स्टेट न्यायपालिका राज्य में नहीं आती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्वयंगे कहा गया कि क्या जुडिशरी के अगेंस्ट भी फंडामेंटल राइट को एन्फोर्स कराया जा सकता है तो जैसा कि आप जानते होंगे कि न्यायपालिका इस आर्टिकल बारह के अंतर्गत अगर संविधान निर्माताओं का उद्देश्य रहा होता तो निश्चित रूप से संविधान के आर्टिकल ट्वेल्व के अंतर्गत जुडिशरी को भी न्यायपालिका को भी सम्मिलित या स्पष्ट रूप से उल्लिखित कर दिए होते परंतु संविधान के आर्टिकल ट्वेल्व के अंतर्गत न्यायपालिका को नहीं रखा गया है अब स्थिति देखें प्राधिकारी का तात्पर्य क्या है अथॉरिटी का मतलब क्या है तो मैंने इस, इस स्क्रीन पर आप सभी देखें अथॉरिटी स्थानीय प्राधिकारी स्थानीय प्राधिकारी में नगर निगम मैंने आपको बताया किसी भी जिले का विकास प्राधिकरण होता है वो विकास प्राधिकरण के द्वारा अगर कोई भी ऐसा नियम बनाया जा रहा है जो नागरिकों में किसी जातिगत आधार पर धार्मिक आधार पर विभेद करता है तो स्थानीय प्राधिकारी के द्वारा बनाया गया वह नियम इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा कि वह समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है आर्टिकल फोर्टीन का वायलेशन है स्थानीय प्राधिकारी को मैंने आपको बताया कि नगर निगम हो गया यह स्थानीय प्राधिकारी है संविधान या संविधि के अंतर्गत गठित कोई भी ऐसी एजेंसी अधिकरण जो उस समिति स्टैच्यूट के अंतर्गत किसी कार्य को किसी विशिष्ट रूप में करने के लिए गठित की जाती है प्राधिकारी के रूप में माना जाता है यह जो अथॉर्टी शब्दावली से ही देखिए स्पष्ट है कि अथॉरिटी का मतलब है कि दैट एंटिटी मस्ट हैव पावर टू डू समथिंग इन अ पर्टिकुलर मैनर उस एंटिटी को उस उस एजेंसी को कोई भी विशिष्ट कार्य विशिष्ट तरीके से करने के लिए विधि के द्वारा स्टैचूट के द्वारा एम्पावर किया जाता है शक्ति प्रदान की जाती है अगर ये बात करें कि प्राधिकारी कौन है सो हु इज अथॉरिटी अगर आपको परिभाषित करना हो कि प्राधिकारी कौन है तो आप साधारण शब्दों में ये कहें कि प्राधिकारी से तात्पर्य ऐसे बॉडी से ऐसे निकाय से है ऐसे बॉडी से है जो किसी संविधि विधि के अंतर्गत गठित की जाती है किसी कार्य को किसी विशिष्ट तरीके से करने के लिए किसी विधि या संविधि के तहत यह समिति कौन बनाएगा संसद बनाएगी राज्य विधानमंडल बनाएगी तो किसी संविधि के अंतर्गत क्रिएट किया गया निर्मित किया गया कोई भी ऐसा निकाय एजेंसी जो किसी कार्य को विशिष्ट तरीके से विशिष्ट रूप में करने के लिए अधिकृत की जाती है प्राधिकारी कहते हैं अथॉरिटी एज अथॉरिटी अगर इसको इंग्लिश में कहें तो अथॉरिटी इज एन एंटिटी विच इज़ एथोराइज विच इज एम्पावर टू डू एनी पर्टिकुलर एक्ट इन ए पर्टिकुलर मैनर अथॉरिटी प्राधिकार से प्राधिकारी से तात्पर किसी एक ऐसे बाड़ी से है जो किसी कार्य को किसी विशिष्ट तरीके से विशिष्ट रूप विशिष्ट कार्य को करने के लिए शक्ति प्रदान किया जाता है शक्ति कौन प्रदान करेगा मैंने आपको बताया एम्पावर कौन करेगा स्टैचूट करेगा लॉ उसको एम्पावर करेगा अथॉरिटी को करने के लिए अब इस अथॉरिटी को हम अन्य प्राधिकारी के रूप में जैसे आर्टिकल ट्वेल्व में यूज किया गया अदर अथॉरिटी तो एक बात क्लियर हो गई कि अथॉरिटी किसको कहेंगे अथॉरिटी कौन है और अन्य प्राधिकारी में वे सभी निकाय सभी बॉडी सभी एजेंसीज सम्मिलित हो जाएंगे जो भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानून के अंतर्गत क्रिएट किए जाते, है, जाते हैं सृजित किए जाते हैं उदाहरण के तौर पर आप देखें स्क्रीन पर तो मैंने अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत लिखा हुआ है जैसे सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसको संक्षेप में मैंने लिखने का प्रयास किया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल लिखा है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भेल लिखा है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है एन टी पी सी है नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन है यशिया लिखा मैंने हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड है ये सारी जो संस्थाएं एजेंसीज़ हैं यह संसद के द्वारा बनाए गए किसी न किसी कानून के अंतर्गत सृजित की जाती हैं क्रिएट की जाती हैं अब ये सारे लोग एन, अन्य प्राधिकारी की श्रेणी में आएंगे और आर्टिकल बारह के संविधान के आर्टिकल बारह के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में माने जाएंगे अब इन प्राधिकारियों के द्वारा बनाया गया कोई भी ऐसा नियम उदाहरण के तौर पर एगर एच है जैसे हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड एच एल कोई ऐसा नियम बनाता है अपने यच में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए जो किसी जातिगत आधार पर भेदभाव करता है धार्मिक आधार पर भेदभाव करता है तो यह संविधान के भाग तीन में प्रत्याभूत मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर एच के द्वारा बनाया गया वह नियम अपास्त कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाएगा असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा इसलिए ये अन्य प्राधिकारी भी जो नियम बनाते हैं वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न कर सकें फंडामेंटल राइट का वायलेशन न कर सकें यह सुनिश्चित करने के लिए संविधान निर्माताओं के द्वारा उन सभी सरकारी एजेंसियों को सम्मिलित किया गया जो सरकारी एजेंसी संविधान के आर्टिकल बारह के अन्य प्राधिकारी की श्रेणी में परिधि में आते हैं तो यह बात क्लियर हो गई कि प्राधिकारी अन्य प्राधिकारी में कौन आएंगे या स्टेट का आर्टिकल बारह अनुच्छेद बारह अब इस पर देखें महत्वपूर्ण वाद क्या है स्क्रीन पर आप देखें इंपॉर्टेंट केस मैंने एक लिखा है केस इसमें आर डी सेठी वर्सेज इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ए आई आर सुप्रीम कोर्ट इस केस में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दो क्राइटेरिया बताई गई कि, कि किसी भी अथॉरिटी को किसी भी एजेंसी को अदर अथॉरिटी में अन्य प्राधिकारी में कवर करने के लिए दो क्राइटेरिया टेस्ट करना है पहला क्या है कि निकाय का स्रोत क्या है जो ये बॉडी है जो एजेंसी है व्हाट इज द सोर्स ऑफ दैट बॉडी वेदर दैट बॉडी और एजेंसी हैज़ बीन क्रिएटेड अंडर अ पर्टिकुलर स्टैच्यूट और नॉट क्या वह एजेंसी किसी स्टैच्यूट के अंतर्गत क्रिएट की गई है पहला क्राइटेरिया टेस्ट करने का दूसरा है कि वेदर देर इज एनी कंट्रोल ओवर द अथॉरिटी क्या उस एथा क्या उस बॉडी पर किसी प्रकार से स्टेट का कोई कंट्रोल है दो क्राइटेरिया है अगर किसी भी ऐसे बॉडी पर इफ एनी बॉडी एजेंसी विच इज़ क्रिएटेड बाय द स्टैचूट एंड इफ गवर्नमेंट हैज़ कंट्रोल ओवर द एजेंसी ओवर द बॉडी यदि उस निकाय पर गवर्नमेंट का नियंत्रण है और उस वह निकाय वह बॉडी किसी लॉ के अंतर्गत किसी संविधि के अंतर्गत सृजित की गई है क्रिएट की गई है तो हम ये मानेंगे कि वह निकाय अन्य प्राधिकारी लोकल अथॉरिटी के श्रेणी में आएगा और उसके द्वारा बनाया गया कोई भी ऐसा नियम रूल्स रेगुलेशन जो मौलिक अधिकार का, का उल्लंघन करता है सुप्रीम कोर्ट बत्तीस के आर्टिकल बत्तीस अनुच्छेद बत्तीस के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय आर्टिकल टू के अंतर्गत रिव्यू कर सकता है समीक्षा कर सकता है और मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर उस प्रावधान को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है तो एक क्राइटेरिया हो गई कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ये क्या जो भारत का विकास जो भारत का एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है क्या ये स्टेट में आएगा नहीं आएगा तो आप जानते हैं कि वह सिविल एविएशन उस पर सिविल एविएशन एक्ट है जो सिविल एविएशन नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन वो कार्य करती है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के भी गवर्नमेंट एजेंसी है आर्टिकल 12 के अंतर्गत तो स्टेट की डिफिनेशन के अंतर्गत आता है और एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा लिया गया ऐसा कोई निर्णय जो फंडामेंटल राइट का वॉयेशन करता है तो उसके अगेंस्ट भी सुप्रीम जो एग्रीव्ड है वह सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का शरण ले सकता है उसमें वाद दायर कर सकता है दूसरा इस पर आप स्क्रीन पर देखें एक केस है कि अजय हाशिया वर्सेस खालिद मुजीब ए आई आर सुप्रीम कोर्ट इस केस में महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि क्या एक रजिस्टर्ड सोसाइटी जो केंद्र या राज्य सरकार का एक एजेंसी है या नहीं है अब ये कहा गया कि जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत कोई भी ऐसी एजेंसी जो रजिस्टर्ड है उसे आर्टिकल 12 के अंतर्गत राज्य माना जाएगा दो चीज़ें हैं अगर वह बॉडी मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले ही निर्णय में कहा था कि अगर सोर्स क्या है उस बॉडी का सोर्स क्या है गवर्नमेंट किसी स्टैच्यूट के अंतर्गत तो वह बॉडी क्रिएट की गई है और इफ़ दैट बॉडी इज बीइंग रेगुलेटेड आर कंट्रोल बाय गवर्नमेंट देन वी विल ऑलवेज कंसीडर दैट बॉडी एज स्टेट अंडर आर्टिकल ट्वेल्व ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम भारतीय संविधान के आर्टिकल बारह के अंतर्गत अनुच्छेद बारह के अंतर्गत उस निकाय को राज्य की श्रेणी में रखेंगे और उसके विरुद्ध भी मौलिक अधिकार को लागू कराया जा सकेगा मौलिक अधिकार को परिवर्तित कराया जा सकता है अब ये देखें कि फंडामेंटल लाइट मैंने आपको बताया अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है संविधान के भाग तीन के अंतर्गत मौलिक अधिकार को संविधान के आर्टिकल जब हम फंडामेंटल लाइट की बात करते हैं तो फंडामेंटल लाइट का को संविधान के भाग तीन में प्रत्याभूत किया गया गारंटी किया गया है और भाग तीन का मतलब संविधान के आर्टिकल ट्वेल्व से लेकर के बारह से लेकर के और वह थर्टी थर्टी फोर तक है ये ये मतलब संविधान उसमें आर्टिकल बारह को भी कवर किया गया आर्टिकल तेरह को भी कवर किया गया है तो जब फंडामेंटल राइट की बात होगी तो हम बात करेंगे कि संविधान के आर्टिकल बारह से लेकर के संविधान के आर्टिकल पैंतीस तक थर्टी तक थर्टी से लेकर के थर्टी संविधान के आर्टिकल 36 से लेकर के वह 51 वन तक वो जो प्रावधान है डी के हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो उससे संबंधित प्रावधान है अब देखते हैं कि फंडामेंटल राइट का जुडिशियल रिव्यू क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है तो ये जुडिशियल रिव्यू की पावर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को कहाँ से मिलती है आप स्क्रीन पर देखें मैंने ये लिखा हुआ है कि अनुच्छेद तेरह एक और तेरह दो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल थर्टी टू के अंतर्गत और उच्च न्यायालय आर्टिकल टू ट्वेंटी सिक्स के अंतर्गत अर्थात अब देखने देखने का प्रयास करेंगे कि आर्टिकल थर्टी वन क्या है थर्टी वन थर्टीन ये थर्टीन वन क्या है थर्टीन टू क्या है और फिर उसके बाद देखेंगे कि जुडिशियल रिव्यू का अर्थ क्या है न्यायिक पुनर्लोकन जिसको बोलते हैं जुडिशल रिव्यू का अर्थ क्या है और जुडिशल रिव्यू के अंतर्गत हम दो सिद्धांत देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स एक्लिप्स क्या है इसको भी और डॉक्ट्रिन ऑफ़ सेवरेबिलिटी क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में इसका अध्ययन करेंगे तो पहले आते हैं कि आर्टिकल थर्टीन वन थर्टीन टू क्या है ये आप सभी ये जानते होंगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद तेरह एक यह प्रावधानित करता है कि संविधान लागू होने के पूर्व निर्मित सभी विधियाँ उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस मात्रा तक वह भाग तीन में प्रत्याभूत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं हम इसको बोलते हैं प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अगर इनक इनकन्सिस्टेंट है विद पार्ट विथ पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू द एक्सटेंट ऑफ इनकन्सिस्टेंसी इनकन्सिस्टेंसी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ शैल बी वायड संविधान लागू होने से पूर्व जो भी विधियां हैं मौलिक अधिकारों से असंगत होने की मात्रा तक शून्य होंगी यह संविधान के आर्टिकल तेरह एक में लिखा हुआ है शून्य कौन करेगा सेटिसाइड कौन करेगा अनकॉन्स्टिट्यूशनल करेगा स्वाभाविक है संविधान संरक्षक के रूप में नागरिक अधिकारों फंडामेंटल राइट कस्टोडियन के रूप में सुप्रीम कोर्ट करेगा उच्चतम तो न्यायालय करेगा आर्टिकल बत्तीस के अंतर्गत उच्च न्यायालय करेगा आर्टिकल टू के अंतर्गत दूसरा प्रावधान दिया है आर्टिकल थर्ट थर्टीन दो के अंतर्गत संविधान का अनुच्छेद तेरह दो जो यह प्रावधानित करता है कि संविधान लागू होने के पश्चात राज्य के द्वारा बनाई गई वे विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस मात्रा तक वह मूल अधिकार से असंगत हैं इनकन्सिस्टेंट हैं पुनः मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ भारतीय संविधान के आर्टिकल पन तेरह उपखंड दो को जिससे और भी क्लियर क्लैरिटी आएगी स्पष्टता आएगी संविधान के आर्टिकल तेरह दो में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य के द्वारा ऐसी कोई विधि निर्माण नहीं किया जाएगा जो मौलिक अधिकार से असंगत हो या मौलिक अधिकार को न्यून करता हो या छीनता हो तथा राज्य के द्वारा बनाई गई वे विधियां जो मूल अधिकारों से असंगत है उस मात्रा तक शून्य होंगी ये बात बहुत स्पष्ट रूप से आर्टिकल तेरह दो में लिखा हुआ है इसका मतलब ये हो गया कि आर्टिकल तेरह दो के माध्यम से संविधान निर्माताओं ने यह रोकने का प्रयास किया कि स्टेट पहली बात तो लॉ ऐसा बनाएगा ही नहीं जो फंडामेंटल राइट का वायोलेशन करता हो अगर स्टेट ने ऐसा कोई लॉ बना भी दिया जो लॉ फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है तो उस लॉ को उस एक्ट उस अधिनियम को उस अधिनियम की संवैधानिकता का की परख की जांच रिव्यू सुप, सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट कर सकते हैं अभी देखने का प्रयास करेंगे कि जो संविधान की आर्टिकल तेरह दो है यहां से निकलता है जुडिशियल रिव्यू न्यायिक पुनर्लोकन जब स्वयं संविधान के आर्टिकल तेरह दो में लिखा हुआ है कि राज्य के द्वारा ऐसी कोई विधि नहीं बनाई जाएगी जो मूल अधिकारों को न्यून करती है या असंगत है तथा अब आगे भी लिखा है कि वह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि राज्य के द्वारा बनाई गई वे विधियाँ जो मौलिक अधिकारों को न्यून करती हैं या असंगत हैं उस मात्रा तक वे शून्य होंगी अब यहीं से जो शून्य होंगी ये सेटेसाइड होगा या अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा यह डिक्लेयर करने का कार्य सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंतर्गत करता है तो अभी बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि राज्य यहां पर क्या मतलब है जो स्टेट पहले लिख दिया गया है कि स्टेट सेल नॉट मेक एनी लॉ विच इज इनकन्सिस्टेंट टू द पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राज्य कोई ऐसा विधि नहीं बनाएगा स्टेट यहां पर जो डिफाइन किया गया वह स्टेट वही है जो आर्टिकल ट्वेल्व के अंतर्गत है अर्थात पार्लियामेंट के द्वारा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा राज्य के द्वारा ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा अदर अथॉरिटी के द्वारा कोई ऐसा नियम नहीं बनाया जाएगा जो फंडामेंटल लाइट का वायलेशन कर रहा हो अगर ऐसा बनाया जाता है तो उस फंडामेंटल राइट के वायलेशन की सीमा तक वह लॉ वह कानून शून्य होगा अब ये जो महत्वपूर्ण इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्रश्न यह है कि क्या संसद के द्वारा बनाए गए पूरे कानून को पूरे एक्ट को एंटायर एक्ट कैन भी डिक्लेयर नल एंड वाइट और एनी पार्ट विच इज़ इनकन्सिस्टेंट विद द पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या उस लॉ के उस अधिनियम के उस भाग को ही शून्य घोषित किया जाए संवैधानिक घोषित किया जाए जो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में है या पूरे अधिनियम को पूरे एक्ट को शून्य घोषित कर दिया जाए तो स्वाभाविक है कि यदि पूरे अधिनियम पूरे एक्ट को जो पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया राज्य विधानमंडल ने कोई लॉ बनाया हम उस पूरे अधिनियम को पूरे एक्ट को ही असंवैधानिक घोषित कर दें मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर या उस प्रावधान को घोषित घोषित असंवैधानिक घोषित करें जो प्रावधान फंडामेंटल राइट के वायलेशन में है तो ये बात बहुत ही स्वाभाविक है कि हम पूरे अधिनियम को शून्य क्यों करें उस अधिनियम के उस भाग को उस प्रावधान को असंवैधानिक घोषित किया जाए जो मौलिक अधिकार के उल्लंघन में है जो मौलिक अधिकार का वायलेशन करना है करता है पूरे अधिनियम को पूरे एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित क्यों किया जाए इसी बात को माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा आप स्क्रीन पर देखें उन्नीस में नाइनटीन में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी सेवरेबिलिटी का मतलब है पृथक करना सेपरेट करना टू सेपरेट पृथक करना सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक केस आया 1951 में बॉम्बे राज बनाम एफ एन बालसारा ए आई आर सुप्रीम कोर्ट जिस केस में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा सर्वप्रथम यह निर्णित किया गया कि जहां पर किसी भी स्टैचूट का कोई प्रावधान विशिष्ट प्रावधान मौलिक अधिकार का, का उल्लंघन करता है केवल उसी प्रावधान को मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया किया जा सकता है यदि उस विशिष्ट प्रावधान को असंवैधानिक घोषित करने से अधिनियम पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता तो पूरे अधिनियम को संवैधानिक ठहराते हुए केवल उस विशिष्ट प्रावधान को जो फंडामेंटल राइट का अवालेशन करता है उसको ही असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है उदाहरण के तौर पर आप देखें इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ सरेबिलिटी कहा गया कि यदि उसको सेपरेट कर लिया जाए जो रिपोगनेंसी है जो इनकन्सिस्टेंट पार्ट है फंडामेंटल लाइट से जो असंगत पार्ट है उसको अगर सेपरेट करने से अधिनियम रेस्ट जो रेस्ट ऑल है वह अगर संवैधानिक है उसमें कोई बुराई नहीं है फंडामेंटल लाइट का वायलेशन नहीं करता तो हम उस पूरे अधिनियम को अधिनियम के उस भाग को जिस भाग को निकालने से अधिनियम पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता तो हम केवल रिपोर्ग्नेसी को जो उसमें वायलेशन में है हम उसी को निकाल करके पूरे अधिनियम को संवैधानिक घोषित जैसे उदाहरण के तौर पर अगर एक हाथ में पांच उंगलियां हैं एक उंगुली में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या पूरे पंजे को काट दिया जाए या एक उंगुली को काटने से अगर हमारे पूरी पंजे को बचाया जा सकता है तो हम केवल एक उंगुली को ही निकालें क्योंकि उसमें प्रॉब्लम है उसमें इन्फेक्शन है तो ऐसी स्थिति में जब किसी स्टैट्यूट में यदि एक से अधिक प्रावधान है केवल एक ही विशिष्ट प्रावधान फंडामेंटल लाइट को वायलेट कर रहा है तो हम उस एक विशिष्ट प्रावधान को कट के निकाल दें सेपरेट कर दें रेस्ट ऑल जो है दैट शुड बी वैलिड उसको हम संविधान संविधान संवैधानिक ठहराते हुए रेस्ट ऑल को हम लागू कर दें कि वह इज रहेगा तो इस सिद्धांत को हम पृथक्कर्ता का सिद्धांत कहते हैं हिंदी में पृथक्करणता का सिद्धांत से तात्पर्य मान्य उच्चतम न्यायालय के द्वारा विकसित किया गया वह सिद्धांत जिसमें संविधि का कोई भी विधि का वह भाग जो मौलिक अधिकार से असंगत है उस भाग को असंवैधानिक ठहराते हुए निकाल उसको सेपरेट कर देने से पृथक कर देने से यदि अधिनियम यद पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता तो हम न्यायपालिका का यह दायित्व है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का यह दायित्व है कि वह पृथककर्ता के सिद्धांत को लागू करते हुए जो असंगत भाग है उसको निकाल दें और बचे हुए शेष भाग को संवैधानिक ठहराते हुए उसको आगे की कार्रवाई के लिए यथावत जारी रखें दूसरा महत्वपूर्ण केस इसी तरह से सेवरेबिलिटी से डॉक्टर ऑफ सेवरेबिलिटी से को लागू किया गया स्क्रीन पर आप देखें एक केस है होतो होलान वर्सेज जाचिलू ए आई सुप्रीम कोर्ट एक मामला इसमें की हो तो हॉलोन बस जाची लो एक ऐसा मामला इसमें दल बदल कानून है मैंने नीचे लिखा हुआ है आप देखें एंटी डिफेक्शन लॉ है 1985 का उस एंटी डिफेक्शन दल बदल कानून को रोकने के लिए भारतीय संसद के द्वारा 1985 में कानून बनाया गया जिसमें प्रावधान किया गया कि जो उसका पैरा साथ है उसमें लोकसभा या राज्य विधानसभा के स्पीकर को यह शक्ति प्रदान की गई कि किसी भी राजनीतिक दल से यदि एक तिहाई दो तिहाई स्प्लिट होती है टूट करके वो अगर नया संगठन नया वह दल राजनीतिक दल बनाते हैं तो विधानसभा का विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा कि दल बदल हुआ है या दल बदल नहीं हुआ है वे विधानसभा सदस्य डिसक्वालीफाई हैं या नहीं है वह दल बदल अधिनियम उन्नीस सौ पचासी के दायरे में आते हैं या नहीं आते हैं इससे संबंधित अंतिम निर्णय विधानसभा अध्यक्ष का होगा यह उस निर्णय को भारत के किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जा सकता क्योंकि यह सिद्धांत जो है वह संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता था तो यह माना गया कि अगर पैरा सात को निकाल दिया जाए तो दल बदल अधिनियम उन्नीस की संवैधानिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो इसलिए उस पैरा सात को निकाल देने से यदि अधिनियम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो सुप्रीम कोर्ट ने भी डा डॉक्ट्रिन ऑफ सेविलिटी को अडॉप्ट करते हुए पैरा सात को असंवैधानिक घोषित किया और यह निर्णित किया कि पैरा सेवन जिसमें विधानसभा अध्यक्ष को दल बदल के मामलों में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति प्रदान की गई थी न्यायिक पुनर्लोकन से बाहर कर दिया गया था जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर दिया गया था यह संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन है अतः पैरासात असंवैधानिक ठहराया जाता है और शेष अधिनियम संवैधानिक माना जाएगा और आज भी दल बदल अधिनियम उन्नीस एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 आज भी वैध है संवैधानिक है उसका केवल वह भाग जो न, जो आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता था जुडिशियल रिव्यू को समाप्त कर दिया था उसे ही पृथक कर दिया गया और सेपरेट करने से शेष अधिनियम की संवैधानिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा अब दूसरा सिद्धांत इसमें डॉक्टरीनाफ एक्लिप्स का है डॉक्टरीनाफ एक्लिप्स के सिद्धांत को माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा इवॉल्व किया गया कभी कभी ऐसा एक्लिप्स का मतलब है आच्छादन करना एक्लिप्स करना आच्छादित करना तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि कोई भी विधि का प्रावधान जो सामाजिक भारत के सामाजिक परिवेश के लिए अनुकूल नहीं है और संसद उसको रिपील नहीं करती समाप्त नहीं कर सकती तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट को यह पावर है कि वह विधि के या संविधि के उस प्रावधान को अवैध घोषित कर दे और संवैधानिक घोषित कर दे उसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगी वह एक्लिप्स आच्छादित होगा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय से आच्छादित होगा और जब वो आच्छादन एक्लिप्स हटा दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो वह पुनः वह प्रावधान पुनर्जीवित हो सकता है और जब तक यह पावर तो कार्य है रिपील करने का समिधि के प्रावधान या विधि के किसी प्रावधान को रिपील करने की पावर वह पार्लियामेंट को है जो कानून बनाता है वही उस कानून को रिपील कर सकता है तो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाते हैं रिपील करने का पावर भी उन्हीं दोनों संस्थाओं को दिया गया है उदाहरण के तौर पर हम देखें डॉक्टरिन ऑफ एक्लिप्स क्या है आप सभी ये जानते होंगे स्क्रीन पर आप देखें आईपीसी मैंने लिखा है डॉक्टरीन ऑफ एक्लिप्स ब्रैकेट में लिखा है सेक्शन 303 जीरो थ्री एंड सेक्शन फोर नाइन्टी इन सेक्शन 303 को पहले लेते हैं भारतीय जनसंख्या की धारा 303 में यह प्रावधान किया गया था कि जहां पर किसी आजीवन कारावास से दोषिध अभियुक्त के द्वारा कोई हत्या की जाती है उस अभियुक्त को न्यायालय के द्वारा केवल आदेश दिया जाएगा अब यह मिट्ठू बनाम पंजाब राज का केस है मिट्ठू वर्ष स्टेट ऑफ पंजाब राज ए आई आर नाइनटीन सुप्रीम कोर्ट उस वाद में उच्चतम न्यायालय के द्वारा भारतीय जनसंहता की धारा 303 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया असंवैधानिक इसलिए घोषित कर दिया गया कि उसमें न्यायालय को डिस्कशन विवेक नहीं आप देखें कि सभी आईपीसी के अंतर्गत जितने भी दंड प्रावधानित किए गए हैं उन सभी धाराओं में न्यायालय को दो विवेक दिया गया है आप 302 को भी देखेंगे आईपीसी की धारा जो 302 है जो हत्या के दंड का मर्डर का पनिशमेंट का प्रावधान करती है उसमें लिखा हुआ है भारत आई की धारा तीन में पढ़ रहा हूँ कि जो कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा वह मृत्युदंड या जीवन कारावास से दंडित होगा अब मृत्युदंड या जीवन कारावास ये दो ऑप्शन दिए गए हैं कोर्ट को लेकिन 303 के अंतर्गत इस प्रकार का कोई क्लासिफिकेशन वर्गीकरण नहीं किया गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह यह असंवैधानिक है अभी स्थिति क्या है 303 की कि सेक्शन 303 जीरो का इन इफेक्टिव है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको असंवैधानिक घोषित किया हुआ है जब तक रिपील नहीं किया जाएगा तब तक यह अभी भी वैसे ही आईपीसी की धारा जो 497 है जो एडल्ट्री को अपराध घोषित करती है आईपीसी की धारा 497 नाइन्टी सेवन या प्रावधानित करती है कि जो कोई भी पुरुष या स्त्री विवाहित होते हुए 497 को मैं पढ़ रहा हूँ अभी जोसेफ साइन आ, के मामले जोसेफ साइन की केस में जोसेफ साइन वसेफ़ भारत संघ के केस में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जारता के अपराध को एडल्ट्री के अपराध को असंवैधानिक घोषित कर दिया तो सेक्शन 497 जो आईपीसी का है उसमें प्रावधान किया गया है आईपीसी की धारा 497 नाइन्टी सेवन प्रावधानित करती है कि जो कोई भी पुरुष किसी विवाहिता स्त्री से उसकी पति के मनोनुकूलता के बिना ऐसी विवाहिता स्त्री से सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा वह जारता का अपराध करेगा एडल्ट्री कमिट करेगा ये अट्ठारह सौ जब आई बनी तो उसी समय भारत में महिलाओं की स्त्रियों की सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह जा, एडल्ट्री को अपराध घोषित किया किया गया तो इसमें यह भी सुप्रीम कोर्ट के समझ केस आया कि एडल्ट्री के मामले में जो लेडी है जो फीमेल है उसको अब अबेटर दुष्प्रेरक भी नहीं माना जाता है ये जेंडर बायस्ड है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा जेंडर बायस नहीं है यह सामाजिक स्थितियों को देखते हुए ऐसा प्रावधान किया गया और स्वयं भारतीय संसद को विधि बनाने की महिलाओं के लिए विशेष विधि बनाने की शक्ति संविधान के आर्टिकल पंद्रह तीन के अंतर्गत दिया गया है कि राज्य के द्वारा बनाई गई ऐसी कोई विधि जो बालकों और महिलाओं के लिए विधि बनाई जाती है उससे निवारित नहीं करेगी और सेक्स के आधार पर कोई विभेद किया जाना राज्य के द्वारा यह पंद्रह तीन के अंतर्गत संविधान सम्मत है मैं एक इस संविधान के आर्टिकल पंद्रह तीन की इन्फॉर्मेशन सूचना को भी यहाँ इसलिए बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जिससे आपको पूरा आईपीसी की जो सेक्शन 497 का बैकग्राउंड है वह आपको समझ में आ सके कि एडल्ट्री है क्या तो आप ये देखें कि एडल्ट्री को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह भारतीय संहिता की धारा चार जो एक ऐसे स्त्री को स्त्री के द्वारा स्त्री के प्रति किए गए सेक्सुअल इंटरकोर्स को अपराध घोषित करती है यह संविधान के आर्टिकल इक्कीस में प्रत्याभूत जीवन के अधिकार का उल्लंघन है एक स्त्री को भी विवाहिता स्त्री को भी अधिकार है कि वह डिसाइड कर सके अगर वह अपने पति से सेटिस्फाई नहीं है संतुष्ट नहीं है तो वह किसी भी पर पुरुष से संबंध बना सकती है वह उससे सेक्सुअल्टर कोर्स कर सकती है और यह जारता का एडल्ट्री का अपराध अब अपराध नहीं माना जाएगा तो आज की डेट में जो एडल्ट्री का स्थिति है वह इक्लिप्स टाइप का है उसको सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से आच्छादित हो चुका है यह कभी भी हो सकता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्णय से इसको ओवर रूल कर दिया जाए और ये एक वर्ष बाद दो वर्ष बाद ये मान लिया जाए कि आई की धारा फोर असंवैधानिक नहीं है बल्कि संवैधानिक है तो उससे वह एक्लिप्स जो आच्छादन अभी लगा हुआ है वो उसको एक्लिप्स आच्छादित कर लिया एक्लिप्स कर लिया है उससे ऊपर हटाया जा सकता है यह आवरण तो ये मैंने आपको बताया कि आप एक्लिप्स क्या है और किस किस केस में इसको आ, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मूल अधिकार और न्यायिक पुनर्लोकन के अंतर्गत सिर्फ पृथकर्णता का सिद्धांत आच्छादन का सिद्धांत क्या है किस केस में कहा गया अब देखते हैं कि इसमें न्यायिक पुनर्लोकन जुडिशियल रिव्यू और विधि जो है अनुच्छेद तेरह तीन के अंतर्गत स्क्रीन पर आप देखें मैंने चौबीसवां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 को लिखा है दूसरा मैंने लिखा है कि आर्टिकल थर्टीन क्लॉज थ्री अध्यादेश प्लस रूढ़ भी ये आर्टिकल तेरह के अंतर्गत विधि के अंतर्गत माना जाएगा केस मैंने इसमें लिखा है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज ए आई सुप्रीम कोर्ट अब जो संविधान की आर्टिकल तेरह तीन है वह परिभाषित करती है कि विधि के अंतर्गत न केवल संसद या राज्य विधानसभा के द्वारा बनाए गए विधि सम्मिलित है बल्कि बल्कि अध्यादेश या कस्टम इवेन यह है कि कस्टम भी है कोई भी आदेश नियम विनियम रूल्स रेगुलेशन सर्कुलर बाई लॉज यह सभी आर्टिकल तेरह तीन के अंतर्गत विधि की परिभाषा में सम्मिलित हैं एक बात ये क्लियर है कि संविधान के आर्टिकल तेरह उपखंड तीन थर्टीन क्लॉज थ्री लॉ को इंक्लूड लॉ को डिफाइन करता है और ये बताता है कि कौन किन किन विधियों किन किन विधियों को संविधान के आर्टिकल तेरह तीन के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है तो संसद के द्वारा निर्मित की गई विधियाँ राज्य विधानमंडल के द्वारा निर्मित की गई विधियाँ राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश कोई भी रूल्स रेगुलेशन सर्कुलर नोटिफिकेशन बाई लॉज इवेन कस्टम तेरह तीन के अंतर्गत विधि की परिभाषा में सम्मिलित है अब चौबीसवां संविधान संशोधन नियम उन्नीस में एक आ, संसद के द्वारा 1971 में पार्लियामेंट के द्वारा एक संशोधन किया गया और तेरह संविधान के आर्टिकल तेरह चार जोड़ी गई ये मैंने आपको बताया है कि संशोधन के द्वारा विथ इफेक्ट फ्रॉम इसको अगर आगे लिखें तो ये उन्नीस से ये अनुच्छेद जोड़ा गया अभी जो ये प्रावधान करता है कि संविधान संशोधन अधिनियम तेरह तीन के अंतर्गत विधि की परिभाषा में नहीं आता यह संशोधन इसलिए करना पड़ा कि मैंने आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ है एक तरफ कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य ए 1967 के मामले में इसी गोलकनाथ की केस में 11 न्यायाधीशों की जो पीठ थी इसमें 11 न्यायाधीश थे स्क्रीन पर आप देखें तो 11 न्यायाधीशों में छः पाँच का जजमेंट आया कि मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं हो सकता पहली बात और संविधान संशोधन विधि भी तेरह तीन के अंतर्गत विधि के अंतर्गत माना जाएगा उसी प्रभाव को दूर करने के लिए गोलकनाथ मामले में उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय के प्रभाव को दूर करने के लिए चौबीसवां संविधान संशोधन उन्नीस संसद के द्वारा पारित किया गया जिसमें इस बात का स्पष्ट प्रावधान कर दिया गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसको तेरह तीन में विधि में न सम्मिलित किया जाए वो साधारण विधि नहीं है और इससे अनावश्यक मुकदमेबाजी होगी तो इसको कहा गया कि आर्टिकल तेरह चार जोड़ करके और उसको विधि के परिभाषा से तेरह तीन में विधि न माना जाए इसलिए आर्टिकल तेरह चार थर्टीन फोर जोड़ा गया परंतु इसके ठीक पश्चात आप देखें मैंने जो लिखा है अगली स्लाइड पर जुडिशियल रिव्यू संविधान का आधारभूत ढांचा है अभी मैंने बताया राज्य के विरुद्ध मौलिक अधिकार का, का प्रवर्तन अब यह स्लाइड है जिसपे जुडिशियल रिव्यू पर फोकस किया गया है कि जुडिशियल रिव्यू जो है यह बेसिक स्ट्रक्चर है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णित किया गया केस ऑन भारती में किस केस में कहा गया इस स्क्रीन पर आप देखें केस ऑन भारती बनाम केरल राज्य ए आई आर सुप्रीम कोर्ट इसमें मैंने स्लाइड पर स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि तेरह न्यायाधीश थे इसमें सात छः का इसमें जजमेंट आया सात बहुमत में थे छः अल्पमत में थे और बहुमत का निर्णय आया केशव भारती की केस में कि न्यायिक पुनर्लोकन जुडिशियल रिव्यू संविधान का आधारभूत ढांचा है तो ये मैंने अभी इसके ठीक पहले वाली अपने व्याख्यान में बताया पहले वाले व्याख्यान बताया था कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो आधारभूत ढांचा है और संविधान की सर्वपरिता सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यह भी संविधान का आधारभूत ढांचा है तो जुडिशियल रिव्यू है क्या मैंने आपको बताया कि जुडिशियल रिव्यू से तात्पर्य न्यायालय की उस शक्ति से है जो विधानमंडल के द्वारा विधायिका के द्वारा बनाए गए विधि के विधि के वैधता को परीक्षण करना विधि की समीक्षा करना न्यायिक पुनर्लोकन कहलाता है जुडिशियल रिव्यू कहलाता है अर्थात विधायिका के द्वारा निर्मित की गई विधि संवैधानिक है या नहीं इस बात का परीक्षण करना ही न्यायिक पुनर्विलोकन कहलाता है जुडिशियल रिव्यू कहलाता है ये क्यों आया मैंने आपको बताया कि संविधान के आर्टिकल तेरह दो में लिखा हुआ है कि राज्य के द्वारा ऐसी कोई भी विधि निर्माण नहीं की जाएगी जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है मौलिक अधिकार के उल्लंघन में बनाई गई विधि उस मात्रा तक शून्य होगी ये लिख दिया गया अब शून्य कौन करेगा इसका दायित्व तो संवैधानिक दायित्व तो माननीय उच्चतम न्यायालय पर आर्टिकल बत्तीस के अंतर्गत और दो के अंतर्गत उच्च न्यायालय को दिया गया है तो यह बात हो गई कि जुडिशियल रिव्यू अगर निकाल दिया जाए तो पार्लियामेंट कोई कानून बनाए स्टेट लेजिस्लेचर कोई कानून बनाए फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ना हो पाए और ये कहा जाता है कि आपने देखा होगा कि स्वयं संविधान के आर्टिकल 32 में प्रावधानित किया गया है बत्तीस एक में प्रावधान किया गया है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की दशा में किसी भी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में सीधे वाद दायर करने का अधिकार उसका मौलिक अधिकार है यह संविधान के आर्टिकल बत्तीस एक में लिखा हुआ है तो उच्चतम न्यायालय के समक्ष वाद दायर करने का अधिकार मौलिक अधिकार के उल्लंघन की दशा में एक फंडामेंटल राइट है मौलिक अधिकार है संविधान के आर्टिकल बत्तीस दो में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट सेल है पावर टू इश्यू एनी आर्डर और डायरेक्शन फॉरवर्ड फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स गारंटीड इन द पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो संविधान के आर्टिकल बत्तीस दो में लिखा हुआ है कि उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए कोई भी आदेश कोई भी निर्देश अथवा कोई भी रिट जो हैबियस कार्पस मैंडमस कोरंटो सैसुरारी प्राइविशन के नाम से होंगी जारी कर सकता है तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मौलिक अधिकार के उल्लंघन की दशा में वाद दायर करने का अधिकार जब स्वयं मौलिक अधिकार है फंडामेंटल लाइट है तो सुप्रीम कोर्ट किसी भी ऐसे ला को विधि को जो फंडामेंटल लाइट का वालेसन करता है वह असंवैधानिक घोषित कर सकता है अब जैसा कि मैंने आपको बताया आप केशवन भारती केस के पश्चात इंदिरा नेहरू वर्सेज राज नारायण की केस को स्लाइड पर आप स्क्रीन पर आप देखें कि इंदिरा नेहरू वर्सेज राज नारायण या आई आर का केस है यहाँ पर सेवेंटी सेवेंटी फाइव का केस इसमें उनतालीसवें संविधान संशोधन उन्नीस सौ पचहत्तर को इस आधार पर संवैधानिक घोषित कर दिया कि आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है उसमें मैंने बताया था कि प्रधानमंत्री के निर्वाचन को जुडिशरी के रिव्यू करने की पावर से बाहर रख दिया गया था कि प्रधानमंत्री का निर्वाचन वैध था वैध है वैध रहेगा प्रधानमंत्री के निर्वाचन की वैधता को भारत के किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक पुनर्लोकन के आधार पर न्यायिक पुनर्लोकन को बाहर कर दिया गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असंवैधानिक है और इस रूप में उस उन्तालीसवें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 को न्यायिक पुनर्लोकन के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया गया दूसरा केस है यल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ ए आई आर सुप्रीम कोर्ट तीसरा केस मैंने इसमें लिखा आई आर कोहलो बनाम इस आई आर कोहलो बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु ए आई आर नवीन सूची के अंतर्गत शामिल किसी भी अधिनियम को का पुनर्लोकन हो सकेगा ये आपने देखा कि जुडिशियल रिव्यू का इम्पॉर्टेंस कितना है मैंने उसके लिए एक अलग से स्लाइड बनाया है इसलिए कि जिससे जुडिशरी की रिव्यू करने की पावर ये जिला न्यायालय को नहीं है मैंने आश्वस्त कर दिया कि हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के अंतर्गत रिव्यू करने की पावर है क्या रिव्यू करने की पावर है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया उसको रिव्यू करने की पावर है पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया है जो फंडामेंटल राइट का अवालेशन करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू कर सकती है मैंने बिल्कुल किस केस में कहा किस केस में इंदिरा नेहरू वर्सेज रामनारायण की केस आईआर आर कोहलो वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्णित किया गया कि नवी अनुसूची पहले ऐसा था कि नवी अनुसूची में जो कुछ भी विषय थे उसका जुडिशियल रिव्यू के दायरे से वो बाहर था लेकिन अभी हाल ही में आई आर कोहलो की केस में आई आर कोहलो बनाम तमिलनाडु राज्य आई आर टू थाउजेंड सेवन की केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णित किया कि नवी अनुसूची में सम्मिलित किया गया कोई भी विषय यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो जुडिशियल रिव्यू उसका भी हो सकता है नवी अनुसूची जो नाइन्थ शेड्यूल है उसके अंतर्गत शामिल किसी भी अधिनियम का रिव्यू जुडिशियल रिव्यू हो सकता है क्योंकि जुडिशियल रिव्यू संविधान का आधारभूत ढांचा है अब ये देखते हैं कि जो फंडामेंटल राइट मैंने बताया कि राज्य के विरुद्ध मौलिक अधिकार और उनका प्रवर्तन तथा न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू मैंने आपको बताया कि जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट पहली बार इसको बेसिक स्ट्रक्चर माना गया केसवान भारती केस में तो दो इसमें दृष्टांत हैं दो इसमें इंपॉर्टेंट केस है केशवान भारती की केस में इसको इवॉल्व किया गया और इंदिरा नेहरू वर्सेज राम नारायण की केस में जुडिशियल रिव्यू के उल्लंघन के आधार पर एक संविधान संशोधन अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया पुनः आई आर कोहलो के केस में जुडिशियल रिव्यू को रिकॉग्नाइज किया गया तो कहने का तात्पर्य है कि जो आर्टिकल तेरह में तेरह दो में जो शब्दावली का प्रयोग किया गया है कि राज्य के द्वारा ऐसी कोई विधि नहीं बनाई जाएगी जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है मौलिक अधिकार के उल्लंघन करने पर वह विधि उस सीमा तक शून्य होगी तो राज्य यहाँ पर मैंने बताया कि जो आर्टिकल ट्वेल्व के अंतर्गत है जो भी स्टेट में आएंगे वे राज्य की श्रेणी में आएंगे अब प्रायः इस पे जो प्रश्न पूछे जाते हैं स्टेट को लेकर के पूछे जाते हैं कि एन राज्य है कि राज्य नहीं है एन को स्टेट की डिफिनेशन में मानेंगे कि नहीं मानेंगे पार्लियामेंट स्टेट की डिफिनेशन में आता है कि नहीं आता है तो आर्टिकल बारह के अंतर्गत इस बात को स्पष्ट कर दिया गया कि पार्लियामेंट भी स्टेट में आता है ऐसा कोई सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है उसमें चौथे वाले में है अदर अथॉरिटी अन्य प्राधिकारी को स्टेट माना जाए या स्टेट न माना जाए इसको लेकर के जैसा मैंने आपको बताया कि जितने भी भारत सरकार के कंपनियाँ हैं जैसे मैंने आपको बताया कि भारत सरकार के जो उपक्रम हैं जो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है वह भी आर्टिकल बारह के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में आता है और जितने भी निकाय हैं बॉडी हैं जो जिस पर सरकार का नियंत्रण है सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त करती हैं या किसी विधि के अंतर्गत वह क्रिएट की गई हैं तो ये क्राइटेरिया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डेवलप किया गया आर डी सटी की केस में कि वे भी राज्य की परिभाषा स्टेट की डिफिनेशन के अंतर्गत माने जाएंगे और आर्टिकल ट्वेल्व में उनको अब ये बात हो गई कि मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध मौलिक अधिकार का प्रवर्तन वे कौन से अधिकार हैं जो मौलिक अधिकार के वे कौन से फंडामेंटल राइट हैं जो स्टेट के अगेंस्ट इन्फोर्सबल नहीं होंगे वे स्टेट के साथ ही साथ प्राइवेट व्यक्ति के भी प्राइवेट नागरिकों के विरुद्ध भी लागू कराए जा सकते हैं मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 17, 23 और 24 भी है जो मौलिक अधिकार राज्य के साथ साथ प्राइवेट नागरिकों के विरुद्ध भी लागू कराए जा सकते हैं अब मौलिक अधिक कोई भी ऐसा कानून जो मौलिक अधिकार का फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है उस लॉ को उस कानून का न्यायिक पुनर्वलोकन जुडिशियल रिव्यू हो सकता है मैंने आपको बताया कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपने ही निर्णय का अपने ही निर्णय को मानने के लिए बाध्य है या अपने निर्णय को बदल सकता है तो इसके लिए केस है कि बंगाल यूनिटी कंपनी की केस में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्णित किया गया कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं है आप देखें गोलकनाथ की केस में कहा गया कि फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं हो सकता केसवान भारती की केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट में संशोधन हो सकता है तो गोलकनाथ की केस में ग्यारह न्यायाधीशों ने डिसाइड किया था 1967 में और ठीक 1973 में केशव भारती केस में तेरह न्यायाधीशों की पीठ ने डिसाइड किया कि संविधान के अनुच्छेद तीन के अंतर्गत संसद मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकती है तो अपने पहले गोलकनाथ के निर्णय गोलकनाथ के बाद में दिए गए अपने पूर्व के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने केशवन भारती केस में बदल दिया चूँकि केशवंद भारती का केस इसलिए इम्पॉर्टेंट है जुडिशियल रिव्यू चूँकि इस टॉपिक में मैंने कवर किया है तो पहली बार केशवंद भारती की केस में ही जुडिशियल रिव्यू को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का आधारभूत ढांचा माना और आप देखेंगे कि केशवंद भारती के पश्चात जो जो भी मामले सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आए और जिसमें जुडिशियल रिव्यू को बाहर रखा गया था संसद ने कानून बना के रखा कि इसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को या कानून के उस प्रावधान को असंवैधानिक घोषित कर दिया इस आधार पर कि यह न्यायपालिका के रिव्यू करने की पावर को संसद के द्वारा बनाए गए कानून के माध्यम से ले लिया गया है समाप्त कर दिया गया है तो चूंकि केशवन भारती की केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक एनी काइंड ऑफ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द मतलब आधारभूत ढांचे में संशोधन को छोड़कर संसद संविधान के किसी भी प्रावधान का संशोधन कर सकती है और न्यायिक पुनर्लोकन न्यायालय के रिव्यू करने की जो पावर है जुडिशल रिव्यू है वह संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है दैट कैन नॉट बी अमेंडेड दैट कैन नॉट बी टेकन अवे बाई द पार्लियामेंट संसद उसको समाप्त नहीं कर सकती है तो जो कुछ भी कानून संसद के द्वारा बनाया गया जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि दल बदल कानून के माध्यम से भी दल बदल कानून में विधानसभा अध्यक्ष को पावर दे दी गई थी कि उसके उसके निर्णय को किसी भी न्यायालय में चैलेंज नहीं करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये भी जुडिशल रिव्यू का वायलेशन है और पहले ही केशवान भारती केस में हो गया है तो कोई भी ऐसा कानून उस पैरा को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया तो मैं समझता हूं कि आ, मैंने आपको इस व्याख्यान के अंतर्गत जो मुख्य रूप से राज्य के विरुद्ध मौलिक अधिकार एवं न्यायिक पुनर्लोकन में मैंने स्टेट को डिफाइन करने का प्रयास किया आर्टिकल ट्वेल्व में स्टेट की डिफिनेशन क्या है उसके बाद अथॉरिटी में कौन कौन से आते हैं प्राधिकारी में कौन कौन से आते हैं ये भी मैंने बताने का प्रयास किया मौलिक अधिकार का प्रवर्तन फंडामेंटल राइट का एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार का प्रवर्तन स्टेट के अगेंस्ट हो सकता है इंडिविजुअल के अगेंस्ट हो सकता है कौन से फंडामेंटल राइट हैं जो स्टेट के अगेंस्ट इन्फोर्सबल होंगे वे कौन से फ़ंडामेंटल लाइट्स हैं जो प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट इन्फोर्सबल होंगे उसको भी मैंने डिस्कस किया साथ ही साथ मैंने ये भी बताया कि uh, इस फंडामेंटल लाइट के वायलेशन की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दो ऐसे डॉक्ट्रिन डेवलप किए गए दो ऐसे सिद्धांत डेवलप किए गए जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी है और डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विकसित किए गए सिद्धांत हैं उसका उद्देश्य केवल और केवल यह है कि जो स्टैचूट या जो लॉ पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है अगर वह वह फंडामेंटल राइट का वायोलेशन कर रहा है तो हम उसको सेपरेट कर लें जो इनकन्सिस्टेंट पार्ट है उसको स्टैचूट से सेपरेट कर लेंगे और रेस्ट आल जो स्टैचूटरी प्रोविजन्स हैं स्टैचूट है उसको हम संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दें एक्लिप्स को भी ऑफ एक्लिप्स को भी सुप्रीम कोर्ट ने इवॉल्व किया कि अगर कोई भी ऐसा प्रावधान जो फंडामेंटल राइट्स से असंगत है वायलेशन है तो सुप्रीम कोर्ट उसको एक्लिप्स कर देगी इन इफेक्टिव कर सकती है पावर टू डिक्लेयर इन इफेक्टिव दैट पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ द स्टैच्यूड ये सुप्रीम कोर्ट स्वयं एक्लिप्स के माध्यम से किए कि फंडामेंटल राइट का अगर कोई भी वायलेशन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उस प्रावधान को एक्लिप्स कर सकती है और जब वह लगता है कि उसको एक्लिप्स हटाना है अच्छादन हटा देना है तो वह पुनर्जीवित भी, भी हो सकता है प्रावधान मैंने डॉक्टर नाफ एकलिप्स डॉक्टर ऑफ सवरेबिलिटी बताया उसके पश्चात जो जुडिशियल रिव्यू है फंडामेंटल राइट के वायोलेशन में या जु जुडिशियल जो जुडिशियल रिव्यू है वह संविधान का आधारभूत ढांचा है और कोई भी ऐसा स्टैचूट जिसमें जुडिशियल रिव्यू को बाहर रखा गया है उसे सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक घोषित कर सकती है कि वह स्टैचूट संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो मैं समझता हूँ कि इन सभी डिस्कशन के माध्यम से मैंने आर्टिकल ट्वेल्व बारह के अंतर्गत न केवल राज्य की परिभाषा बताया आर्टिकल ट्वेल्व आर्टिकल थर्टीन क्लास वन टू थ्री फोर आर्टिकल तेरह एक दो के अंतर्गत प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ संविधान पूर्व विधियाँ संविधान पश्चात विधियाँ पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आर्टिकल थर्टीन क्लास टू आर्टिकल थर्टीन क्लास थ्री के अंतर्गत लॉ को जो डिफाइन किया गया है उसमें रूल्स रेगुलेशन बाई लॉज ऑर्डिनेंस भी आर्टिकल तेरह तीन में सम्मिलित किया गया है चौबीसवें संविधान संशोधन उन्नीस सौ इकहत्तर के द्वारा आर्टिकल तेरह चार जोड़ा गया मैंने आपको वो भी बताने का प्रयास किया और उस आर्टिकल तेरह चार को गोलकनाथ केस के मामले में दिए गए निर्णय के प्रभाव को दूर करने के लिए फिर उसकी संवैधानिकता को केशवान भारती बनाम केरल राज्य में चैलेंज किया गया तो मैं समझता हूँ कि राज्य के विरुद्ध मौलिक अधिकार और उसका परिवर्तन तथा न्यायिक पुनर्लोकन से संबंधित समस्त सूचनाएं मैंने आपको देने का प्रयास किया और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप इसका पूरा अवलोकन करेंगे तो निश्चित रूप से आप इससे लाभान्वित होंगे इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं अपने इस व्याख्यान को यहीं पर समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ भी इस आर्टिकल भारत से संबंधित और डॉक्टरिन पेक्लिप्स जुडिशियल रिव्यू डॉक्ट्रिन ऑफ सरेबिलिटी और फंडामेंटल राइट के विषय में जो भी मैंने आपको आर्टिकल बारह के अंतर्गत स्थानीय प्राधिकारी यानी प्राधिकारी के विषय में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को बताया समस्त सूचनाएँ देने का प्रयास किया आप उससे लाभान्वित होंगे इसी आशा उम्मीद के साथ मैं इस व्याख्यान को समाप्त करता हूँ थैंक यू धन्यवाद